अम्मी, नक्षड़ी, आप दोनों ठीक है ना? या अल्लाह, ये कैसी जगह है? बेगम, 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 हम कहाँ हैं? हम जहन्नुम में हैं मियाँ, जहन्नुम में। आदाब, आदाब। वैसे आप दोनों की छुप कर लोगों की बात सुनने की आदत बदली नहीं। बहरहाल एक बात जानिए, ये जगह जहन्नुम के जस से भी कम है। लेकिन अब उस जहन्नुम में अलादीन और हम जाएंगे। सुन ली तेरी धमकियां, टूटे इसकी हड्डियां, टूटे इसकी कमर, जिस कमीने का नाम है अंगूठी छाप। अंगूठी छाप, सफर, ये तुमने क्या किया? एक काम करो, खुद ही जाकर देख लो कि हमने क्या किया। आका, काले चोर, मेरे बेटे को छोड़ दे। अम्मी के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? आका, काले चोर। फरिश्ता स्थान में तुम्हारी जान जाती देख पर बेचारे उस उमर ने शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा तुम्हें दे दिया और तुम अलादीन बड़े ही राजी खुशी उसे लेकर आ भी गए। एक मर्तबा तुमने ये भी सोचा कि इस जिद्दी औलाद की जिद के सामने उस वालिद पर क्या गुजरी होगी। अम्मी, दिल कड़ा कर लीजिए, शौहर की तबीयत कुछ नासी है। या खुदा, मेरे बच्चे के साथ रहना। ये तुमने क्या किया उमर? इतने मजबूर हो गए कि अपने फर्ज को ही भूल गए। मेरा बेटा बुराई से लड़ेगा हुजूर, वो कमजोर नहीं पड़ेगा, मेरा यकीन कीजिए।
तुम पर यकीन कर लिया हमने। तुमने तो सारे फरिश्ता इस्तान को मायूस कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई मल्लिका को हरा सकता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा हो सकता है, कोई नहीं। बस तुम्हें गुनहगार हो उमार, पर एक गुनहगार की जगह फरिश्ता इस्तान में नहीं जहन्नुम में होती है। नहीं। तुम्हें फरिश्तों के इस पाक दुनिया से बेदखल किया जाता है। गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हुजूर। अब से तुम जहन्नुम की आग में जलते रहोगे उमार, ले जाओ इसे। कभी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमने क्या किया है? शैतान के खंजर को लाने की मांग मलिका ने की, ले आए तुम, और कमीने हुए हम। नाइंसाफी है अलादीन, तुम्हारे इस अब्बू की हालत के जिम्मेदार एक वाहिद शख्स तुम हो। मुझे क्या करना होगा तफर? ये हुई ना बात। ना गुलगुले, अब तुमने कुछ समझदारी की बात की। काले, इस वक्त तुम्हारी और हमारी मंजिल एक है, जहन्नुम। तुम दोनों को जो चाहिए वो हमें वहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे अब्बू, हमें वो लाल संदूक। बल्ला बल्ला अभी भी तेरी भी। लाल संदूक क्या है? बच्चों की खेलने की चीज नहीं है बच्चे, बस इतना समझ लो। अपने अब्बू को बचाना चाहते हो और लोगों को हमारे कमीनेपन और कहर से बचाना चाहते हो, तो वो लाल संदूक लाने तुम्हें हमारे साथ जहन्नुम चलना पड़ेगा। मैं सोच आज रात तक की मोहलत है तुम्हारे पास, अगर रजामंद हो तो रेगिस्तान के जहन्नुम वाले दरवाजे पर मुलाकात होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.